आवर ए वे गुड मॉर्निंग टू एवरी वॉल सो दिस इज अ कोर्स फॉर यू पी सी सी एस एग्जामिनेशन गाइज एंड आज का जो वीडियो है दैट इज वन पॉइंट फाइव ईयर्स करंट अफेयर कंटिन्यूशन सीरीज फॉर द प्रीलियम्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन राइट इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कुछ बचे हुए करंट अफेयर्स जो कि बहुत रिसेंट हैं अगस्त और सेप्टेम्बर के उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं राइट दिस विल भी कम्प्लीटेड द फाइव लेक्चर एंड दिस इज द सेकंड वन एंड बिफोर स्टार्ट आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट यू आर एट एकेडमिक प्लेटफॉर्म एंड बिफोर स्टार्ट एनीथिंग वी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट अवर प्लस स्टूडेंट दैट इज जागृति अवस्थी फॉर स्कोरिंग सेकेंड ऑल इंडिया रैंक इन यू पी एस सी सी एस सी एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी राइट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस आर डिफरेंट स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अगर ए आई आर वन से ट्वेंटी के अंदर हमारे सेवन लर्नर्स हैं अन अकेडमी के राइट प्लस लर्नर्स एंड अपार्ट फ्राम दैट ए आई ट्वेंटी वन से लेकर अगर ट्वेंट हंड्रेड तक देखें तो ट्वेंटी लर्नर्स सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन एंड इसी तरह से बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो हुए हैं द अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन राइट so kindly let me know that i am audible or not so that we can start the lecture anybody in the class <coughs> right so these are the ranks uh, rankers. you can see the list right and apart from that if you want to join the academy plus then you have two options one is iconic and another is plus subscription right iconic in the a team of mentors will be there टू गाइड यू अलॉन्ग विद द टीम ऑफ एजुकेटर्स है ना ये पर्सनलाइज कोचिंग है आइकनिक ठीक है प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेज वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस तो आइकनिक के अंदर प्लस के बेनिफिट्स तो मिलेंगे प्लस एक अलग से टीम रहेगी आपके लिए जो सिर्फ आपके लिए होगी जो आपको देखेगी कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है ठीक है किस तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही है आपके ट्रैक करेगी प्रिपरेशन पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करेगी स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडलाइंस टेस्ट एनालिसिस ये सब चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड होगा राइट सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स फीस स्ट्रक्चर राइट फॉर वन ईयर प्लस सब्सक्रप्शन फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड द फीस लाइव डीवी कोड यूज करोगे टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस माई मेंटरशि माई मेंटरशिप विल बी प्रोवाइड टू यू राइट राइट अपार्ट फ्रॉम दट दिस इज आइकेनिक्शन आईकेनिक्शन में भी वन ईयर का सब्सिशन आप देख सकते हैं दिस इज इसके अंदर क्या होगा टीम ऑफ मेंटर्स विल बी देयर टू गाइड यू राइट अलॉन्ग विद ऑफ एजुकेटर्स राइट तो दिस इज आईकेनिक्शन यहाँ पे भी आप लाइव डीवी कोड यूज कर सकते हैं टेन परसेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं राइट इसी तरह से अभी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी है राइट वन ईयर का अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ट्वेंट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड भी लाइव डीवी कोर्स से टेन परसेंट डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा राइट अच्छा अभी देखिए एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट इज अवेलेबल ठीक है जो फीस फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थी वो अभी आपको फोर्टी थाउजेंड नाइनटी फाइव ही आपको पे करनी होगी राइट इसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस एज वेल एज योर सी सेट विल बी कवर्ड ठीक है अलॉन्ग सीरीज टॉप एजुकेटर्स राइट कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा कॉम्बो के अंदर क्या है कॉम्बो के अंदर ऑप्शन तो दिस इज ओनली फॉर दी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी राइट नाउ सो थर्टी सेप्टेंबर तक ये ऑफर चलेगा राइट एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट इज दे और यहाँ पे आप लाइव डीवी कोड यूज करो और ये सारे बेनिफिट आपको अवेलेबल हो जाएंगे राइट right? <coughs> इसी तरह से अभी थर्ड अक्टूबर को इलेवन ए एम पर uh, जोग्राफी कॉम्पैट इज दियर ठीक है जिसके अंदर सिक्सटी मिनट्स के अंदर आपको फिफ्टी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जी, अगर आप आ, इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और विन, uh, also, right? 20 अगर आप वन ईयर का सब्सिक्शन लेते हैं या उससे ज्यादा सब्सिशियन लेते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी राइट दिस विल बी फ्री वैन यू आर टेकिंग दफिशियंट फॉर द वन ईयर और मोर ठीक है लोन फैसिलिटी ऑल्सो प्रोवाइड बाय अकेडमी यू कैन सी दिस वन राइट दिस इज माई अकेडमी प्रोफाइल लिंक गो ऑन अन अकेडमी लर्निंग एप एंड फॉलो मी ऑन दिस वन ठीक है क्योंकि फिफ्टी परसेंट क्लासेज जो हो रही हैं वो अन अकेडमी की आ, यहीं पर हो रही है इसकी लर्निंग एप पर हो रही है राइट आज आज फोर थर्टी पी एम पर क्लास है सी सेट का राइट सी सेट का आई थिंक सेवन्थ क्लास फर्स्ट ईयर राइट ट्वेंटी क्लासेज के अंदर अपन कवर करने की कोशिश करेंगे सी सेट को कंप्लीट ठीक है और आज टूडेज सेवंथ क्लास राइट री टेस्ट सीरीज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई दी आल यू हैव टू डू इज Live है राइट ट्वेंटी नाइन सेप्टेंबर से नए स्टार्ट हो हो, चुके हैं ठीक है थीके? और अक्टूबर से भी नए तो बैच फॉर्म के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन डू ऑन द बैच इन द द प्रिपरेशन इन बैच मूड राइट चलिए तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक राइट फर्स्ट टॉपिक जो है ना अपना वो क्रोकोडाइल की स्पीसी अब सब इधर देखेंगे और लर्न करने की कोशिश करो यहीं पर ठीक है तो फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज क्रोकोडाइल की स्पीसीज इंडिया के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है ठीक है तो अगर हम देखेंगे क्रोकोडाइल की तीन स्पीसीज होती है ठीक है एक तो मगर ठीक है इसको अपन मगरमच्छ भी बोलते हैं राइट सॉल्ट वाटर कोकोडाइल ठीक है और एक घड़ियाल ठीक है तो इसके बारे में हम समझेंगे इन तीनों स्पीसीज के बारे में इसके अंदर समझेंगे राइट अभी क्या है आपको ये एक नाम याद रखना है केंद्रापारा ठीक है केंद्रापारा एक डिस्ट्रिक्ट है किसकी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट है और इसके अंदर तीनों स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल बन रहे हैं ठीक है थीके? तो ये एकमात्र ऐसी इंडिया की डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर तीनों स्पीसीज क्रोकोडाइल की मिल रही है तीन स्पीसीज कौन सी बनाई मैंने मगर ठीक है सेकेंड इज सॉल्ट वाटर एंड थर्ड इज घड़ियाल राइट तो देखो रिसेंटली उड़ीसा केंद्रापा डिस्ट्रिक्ट तो ये आपसे पूछा जा सकता है इट इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया ठीक है जहाँ पर तीनों स्पीसीज मिलती हैं क्रोकोडाइल की हैज़ अर्न द डिस्टिंगशन ऑफ बीइंग द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वेयर ऑल द थ्री स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर घड़ियाल एंड मगर आर फाउंड ठीक है तो तीन स्पीसीज है सॉल्ट वाटर आप देख सकते हैं यहाँ पर घड़ियाल एंड मगर ठीक है इसके बारे में हमको इसके अंदर समझना होगा अब इन तीनों स्पीसीज का ना अलग अलग इनका नेचर होता है ठीक है अलग को, कोई कोई स्पीसीज जो होंगी वो आप देखेंगे कि वेलरेबल है कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अलग अलग आई स्टेटस है इनके बारे में अपन को याद करना है ठीक है तो सबसे पहले अपन याद करेंगे मगर के बारे में ठीक है मगर और मार्च क्रोकोडाइल राइट ये क्या है एगलिंग एंड होल नेस्टिंग स्पीसी है ऑल्सो नोन टू बी डेंजरस है ना इट इज डेंजरस शक्ल से भी दिख रहा है थोड़ा बहुत डेंजरस है ठीक है बट सबसे ज्यादा डेंजरस नहीं है सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है मैं आपको बताऊंगा राइट तो मगर और मार्च कोकोडाइल के अंदर क्या है ये एगलेइंग एंड द होल नेस्टिंग स्पीसी है राइट सो काइंडली लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज ओके जस्ट गेम एम्स अप एवरी वन इन द क्लास एनी वन इन द क्लास कैन लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर ऑन ऑट जल्दी बताएं <coughs> चलिए तो एग लिंग एंड होल नेस्टिंग स्पीसीज ऑल्सो तो नोन टू बी डेंजरस ये डेंजरस भी इनको बोला जाता है ठीक है तो इसको बोलते हैं अपन मगर और द मार्श वोडल राइट अब इनका हैबिटाट देखेंगे अगर हम तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है वे इट मे बी फाउंड इन नंबर ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटाट टाइप्स एंड ऑल्सो इन द कोस्टल साल्ट वाटर लेगूंस एंड नेस्चुरीज और अगर हम देखें तो भूटान और म्यांमार के अंदर ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त ये चले गए गायब हो गए इंडिया के अंदर अभी मिल रहे हैं राइट और भूटान और म्यांमार के अंदर पहले मिलते थे अब वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए ठीक है तो इंडियन सब के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ इंडियन सब के अंदर ही मिलते हैं वहां पे भी भूटान और म्यांमार के अंदर तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं राइट अब इसका आयु स्टेटस क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं आयु स्टेटस कैसे याद करेंगे इसका देखो कि मान लीजिए आप एक आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजन में रहता है ठीक है आप ऐसे कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूँ मगर है ना मगर आ रहा है आपके बीच में बार बार ठीक है मगर आ रहा है बार बार आपके दिमाग के अंदर बार बार ऐसा आता है मगर अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा कर लेता मगर ऐसा हो गया राइट इस तरह से आप कंफ्यूज कन्फ्यूज तो आपकी हालत जो होगी ना बहुत ही वल्नरेबल हो जाएगी जैसे मान लीजिए एक मगरमच्छ है ये ऐसे बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ आई बन जाऊँ मगर फिर आगे ही कंडीशंस डाल देता है ठीक है मगर मैं आ, मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ या फिर मेरे पास टाइम नहीं है इस तरह से कर ले तो इसकी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा वल्लरेबल हो गई है राइट तो मतलब क्या है आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं मगर जो है मगर ठीक है है ना ये स्पीसीज का वेलनरेबल स्टेटस है स्टेटस वेबल राइट आई होप दिस इज क्लियर तो दिस इज अबाउट द मगर स्पीसी ऑफ क्रोकोडाइल सेकेंड इज एस्टोरियन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ठीक है ऑस्टोरियन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये सबसे खतरनाक होता है इसको मैनीटर भी बोलते हैं ये आदमी को खा जाएगा मैनीटर ठीक है तो कंसिडर एज अर्थ लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल स्पीसीज सबसे बड़ी क्रोकोडाइल स्पीसी इन फेमस ग्लोबली एज नोन एज मैनीटर अच्छा हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का सब बताएं जल्दी से ठीक है उसके अंदर ये तीनों मिल रहे हैं मगर है, भी मिल रहा है सॉल्ट वाटर भी मिल रहा है और घड़ियाल भी मिल रहा है दैट्स वी आर दिस वन राइट अच्छा अब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का क्या है ये देखते हैं उड़ीसा की भीतर कनिका नेशनल पार्क के अंदर ही मिलता है ठीक है सेकंड क्या कहाँ मिलता है सुंदरबन डेल्टा के अंदर मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर तो कभी भी यहां पर सॉल्ट वाटर के अंदर ये रहता है बहुत ही सॉल्टी सॉल्टी हो जाता है सॉल्टी सॉल्टी है ये ठीक है और ये किसी को भी देखता है ना मैन को uh, किसी भी ऑर्गेनिज्म uh, को देखता है तो खा जाता है ये ठीक है तो इट इज ऑल्सो नोन एज मैन ईटर और इसीलिए बड़ा ही डेंजरस है इसको देखते ही मार देते हैं लोग बाग ठीक है वन ऑफ द रीजन फॉर दिस वन कि इसका हैबिटेट uh, लॉ uh, इसका वन ऑफ द रीजन फॉर दिस थ्रेट इज दैट कि ये मैन ईटर है तो ये बहुत ही ज्यादा बदनाम है राइट लोग देख मार देते हैं इसको ऑल्सो फाउंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया एंड अदर ऑस्ट्रेलिया राइट आई होप दिस इज क्लियर आई यूज टू लिव इन सॉल्ट वाटर है ना सॉल्ट वाटर के अंदर ये रहता है ठीक है तो इसको है ना कोई कंसर्न नहीं देते तो ये इसको ऐसे बोलते हैं कि ठीक है सॉल्ट वाटर स्पीसीज है ना सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर स्पीसीज है क्रोकोडाइल की तो कोई ज्यादा इसको कंसर्न नहीं देते तो लीस्ट कंसर्न आपको इस तरह से इसको याद रखना है ओके okay. नेक्स्ट इज घड़ियाल घड़ियाल क्या होता है कि इससे याद करो घड़ियाल जो है ये घड़े की तरह होता है इसकी जो व, 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 स्नॉट होती है वो एक घड़ी की तरह होती है, इस तरह से, राइट? इस तरह का होता है राइट ऐसा ही होता है कुछ राइट और इस तरह का घर तो के अंदर रहता है ठीक है समझ लो कि घर के अंदर रहता है घड़ियाल ठीक है इतना डेंजरस नहीं है राइट बट फिर भी इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर डाला है क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्योंकि दिखता है ऐसे समझो क्योंकि घड़ी की तरह दिखता है और इसको क्रिटिकली कैटेगरी में डाला अपन ने याद करा था कि क्रिटिकली अपन किसको बोलेंगे जिससे डर लगता है ना याद करने के लिए अपन ने सोचा था राइट तो ये इससे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है घड़ियाल से बट क्योंकि घड़े की जगह मान ली ये ये खड़ा है और अपन को लग रहा है यहां पे घड़ा है इसलिए डेंजर्ड ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड अपन को याद करना है तो सबसे पहले अपन ने मगर वाला याद करा मगर का मतलब क्या है जिसको हमेशा अपनी लाइफ में कंफ्यूजन रहता है तो मगर से अपन बल्लेबल याद कर रहे हैं इसके अंदर सॉल्ट वाटर मतलब सॉल्ट वाटर में पड़ा रहता है किसी को कंसर्न नहीं है लीस्ट कंसर्न ठीक है घड़ियाल घड़ियाल का क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस होगा राइट द पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इज गुड इंडिकेटर ऑफ द क्लीन वाटर अब क्योंकि घड़ी के अंदर क्या होता है क्लीन वाटर होता है तो ऐसे याद रखो इसको इंडिकेटर ऑफ द क्लीन वाटर ठीक है क्लीन रिवर वाटर आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस वन ठीक है अपन सिर्फ लर्न करने के लिए ऐसे ट्रिक्स बनाकर याद कर रहे हैं बिकॉज अभी टाइम नहीं है है ना और समय नहीं है अभी बस मैं चाहता हूं कि एक बार आप देखें वीडियो और आपको याद हो जाए आपको रिपीट मतलब आपको रिवाइज करने की जरूरत इसको में पड़े नहीं ठीक है नोन टू बी रिलेटिवली हार्मलेस एंड फिश ईटिंग स्पीसीज है ना फिश विश खाता है ज्यादा हार्मलेस ये रिलेटिवली uh, हार्मलेस रहता है ये राइट आयु स्टेटस क्या है इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज द आयुसीएन स्टेटस चलिए मोस्टली फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ द हिमालयन रिवर्स चंबल रिवर इन द नॉर्थ स्लोप ऑफ विंध्या माउंटेन्स नॉन एज प्राइमरी हैबिटाट ऑफ द घरियाल ठीक है तो मध्य प्रदेश के अंदर ये मिलता है विन्ध्याल माउंटेन्स के अंदर ठीक है ये भी आपको याद रखना है अदर हिमालयन रिवर लाइक घाघरा गंडक रिवर गिरवा रिवर रामगंगा रिवर एंड सोन रिवर आर सेकेंडरी हैबिटेट्स सी एस के सेकेंडरी हैबिटेट तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है ये मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है आपको ये याद रखना है ठीक है घरियाल तो ये तीनों ही स्पीसीज कहां मिलती है देखो कॉमन प्लेस तो इन तीनों के है जहां पर तीनों मिलकर पार्टी करते हैं ठीक है वो कहाँ है केंद्रप्पा ठीक है कहां पर है उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है केंद्रप्पा एक रिवर भी है वहां पर ये मिलते हैं राइट चलिए नेक्स्ट इज रोल रेल कौशल विकास योजना अब इसके अंदर देख रहे हैं आप रेल कौशल विकास योजना कौशल का मतलब क्या होता है स्किल ठीक है स्किल का विकास कर रहे हैं और स्किल जो होगी दैट इज रिलेटेड टू द रेलवेज ठीक है तो रेलवे से रिलेटेड जो स्किल्स है उसको डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए कि ये जो स्कीम है दैट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लॉन्च रेल कौशल विकास योजना अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आती है रेल कौशल विकास योजना ठीक है अब ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ठीक है जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी यूथ को है ना अब इसको यूथ की क्या एज होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है किसको यूथ को ठीक है किसके लिए जिसमें स्पेशल फोकस है कि रेलवेज के रेलिवेंट होनी चाहिए वो इस... है ना वो स्किल जो दे रहे हैं वो रेलवेज के रेलिवेंट इसके अंदर होनी चाहिए राइट चलिए दिस इज अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द यूथ विद ए स्पेशल फोकस टू द जॉब्स ऑन द जॉब दैट आर रेलिवेंट टू द रेलवेज ठीक है इस तरह इसलिए इसको क्या कर रहे हैं रेल कौशल विकास योजना इसके अंदर बोला जा रहा है ठीक है किसका है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का अब कैसी कैसी चीज़ों के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है देखिए फोर ट्रेड्स हैं इसके अंदर ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइड इन दो फोर ट्रेड्स ठीक है इलेक्ट्रीशियन क्योंकि रेलवेज के अंदर काम आएगा वेल्डर मशीनिस्ट फिटर ये चार इसके अंदर चार ट्रेड्स के अंदर क्या करती है कि ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि जो लोग बाग हो उनको स्किल डेवलपमेंट हो उनका किसके रेफरेंस में रेलवेज के रेफरेंस में और रेलवेज की जॉब इसके अंदर मिले राइट यहाँ पर आपको यह करना है ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 अप्रेंटिस एक्ट के अंदर जो है उस उसके अंतर्गत जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की होती है वैसे प्रोवाइड की जा रही है इसके अंदर ठीक है और यहाँ पर ये प्लान है एक और ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको याद करना है फिफ्टी कैंडिडेट को ट्रेन करना है ठीक है नेक्स्ट थ्री ईयर्स ये याद कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट थ्री ईयर में पचास लोगों को ट्रेन कर रहे हैं उन जॉब्स के अंदर जो कि रेलवेज़ के लिए रेलिवेंट है ठीक है ठीक है तो मेन वेल्डर मशीनिस्ट और फिटर ये चार ट्रेड्स के अंदर पर क्या कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है राइट right? अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पहली बात पास होना चाहिए बंदा पर्सन शुड बी टेंथ पास अगर हम कहें तो अठारह से पैंतीस ईयर का होना चाहिए ये यूथ है यूथ की कैटेगरी है इसके अंदर ठीक है ये है यूथ की एज होनी चाहिए अठारह से पैंतीस साल राइट तो अगर हम इसके अंदर देखें कैंडिडेट हुआ टेंथ पास एंड एज बिटवीन द एटीन टू थर्टी फाइव ईयर्स शेल बी एलिजिबल टू अप्लाई ठीक है पार्टिसिपेंट्स इन द स्कीम्स शेल हाउ एवर हैव नो क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं कि आपने ट्रेनिंग ले ली तो अब आप सर पे चढ़ गए ठीक है कि हमको अब तो क्या करो तुम एम्प्लॉयमेंट दो ठीक है नहीं ट्रेनिंग दे रहे उसके बाद एग्जाम एग्जाम होंगे इलेक्ट्रिशियन फिटर इन सब के तब जाकर उसमें पास होते हो तो तुमको क्या होगा तुमको ओ... फिर जाकर जॉब जा मिलेगी राइट तो जॉब की गारंटी नहीं दे रहे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की गारंटी दे रहे राइट

तो इसके अंदर इस तरह से आपको इसमें याद रखना है राइट जुडीमा वाइन जो है दैट इज रिलेटेड टू आसाम सेम है से याद रखना है इसको आसाम ठीक है से याद रखना है आपको आसाम होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन राइस वाइन जुडीमा गैट जी आई टेक है ना अब ये क्या है जुडीमा ये समझो जुडीमा इज द राइस वाइन मेड फ्रॉम द स्टिकी राइस स्टिकी राइस से मिलकर बना हुआ है राइट जिसको बोलते हैं ग्लूटीनस राइस और बोरा भी बोलते हैं इसको ग्लूटिनस राइस बोरा ठीक है विच इज स्टीम्ड पहले इसको स्टीमिंग कराया जाता है एंड मिक्सड विद द ट्रेडिशनल हर्ब्स कॉल्ड थेम्ब्रा तो राइस प्लस थेम्ब्रा विल गिव यू व्हाट जूडिमा वाइन करेक्ट दिस वाइन इज स्पेशलिटी ऑफ दिमाशा ट्राइब धीमाशा ट्राइब ऑफ द स्टेट मतलब आसाम की धीमाशा ट्राइब है उसकी स्पेशलिटी है एंड एज ए डिस्टिंक्ट स्वीट टेस्ट एंड टेक्स अराउंड वन वीक टू प्रिपेयर एंड इट कैन बी स्टोर फॉर द इयर ठीक है लंबे समय तक सालों तक इसको स्टोर किया जा सकता है तो अपन को कैसे याद करना है हमको ये पिक्चर याद रखनी है जोड़ीमा वाइन का भी आए तो याद कर लेना है सैम नाम का आदमी है वो ड्रिंक कर रहा है वाइन को राइट जोड़ीमा वाइन चलिए नेक्स्ट इज प्लेसेज इन न्यूज के अंदर इसको देख सकते हैं या फिर आप व्हाइट डॉल्फिन से भी इसको कर सकते हैं देखिए फरोरे फरोई आइलैंड है एक फरोई आइलैंड ठीक है कहां पर है मैं आपको बताऊंगा यहां पर क्या हुआ एक ट्रेडिशन है एक दिन होता है जहां पर बहुत सारे वेल्स को और डॉल्फिन को मारा जाता है ठीक है तो उसके खिलाफ एंगर हुआ है लोगों के अंदर एंगर हुआ किलिंग ऑफ फोर्टीन हंड्रेड डॉल्फिन इन वन डे एक दिन के अंदर इन्होंने इतनी सारी को डॉल्फिन को मार दिए ठीक है तो फोर्टीन थाउजेंड प्लस फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी एट ऐसे कुछ डॉल्फिन को इन्होंने मार दिया है राइट तो यहाँ पर ये देख लीजिए ये अभी क्या कर रहे हैं शिकार ही कर रहे हैं डॉल्फिन का राइट तो यहाँ पर एक ट्रेडिशन है ट्रेडिशन बना हुआ है कि फोई आइलैंड के अंदर ट्रेडिशन है कि इस पर्टिकुलर दिन के अंदर क्या करेगा कत्ले आम की दिन होगा ये और यहाँ पे वेल्स और डॉल्फिन का कत्ल किया जाएगा राइट तो यहां पर है ये आइलैंड फरो आइलैंड अगर आप देखेंगे और फरो आइलैंड किसके अंदर आता है डेनमार्क के अंदर आता है ठीक है डेनमार्क के अंदर आता है तो देखिए दिस कैन बी आग कि आइलैंड कहाँ पर है और किसका पार्ट है ये भी पूछा जाता है बिकॉज इट इज इन द न्यूज तो देखो किलिंग ऑफ व्हाइट साइडेड डॉल्फिन अब व्हाइट साइडेड डोल्फिन को व्हाइट साइडेड डॉल्फिन क्यों बोला जाता है

एक तो आप इसके अंदर ये देखिए उसका साइड है ये व्हाइट कलर का है राइट कितनी प्यारी है और ऐसे सोच के देखो चौदह सो अट्ठाइस डॉल्फिन को मार दिया ठीक है और इस तरह से यहां तक देखिए व्हाइट रहता है राइट तो इसके देयर कॉमन नेम्स कम्स फ्रॉम द प्रोमिनेंट व्हाइट स्ट्रिप्स ऑन देयर साइड्स साइड्स पे वाइट स्ट्रिप है हैबिटाट क्या है इसका

एड्राइटिक सीट एंड एजोर सीट राइट इनके अंदर भी ये मिलता है कौन व्हाइट साइडेड डॉल्फिन ओके आयु सी इन स्टेटसन अब देखिए क्यों न्यूज के अंदर है क्योंकि इनका कोई कंसर्न नहीं है ना कोई कंसर्न ही नहीं कर रहा है इनको मारे जा रहा है सोच के देखो एक दिन में चौदह सौ अट्ठाइस डॉल्फिन को मार दिया गया आई दिस इज क्लियर दिस इज ऑल अवर टू डेज क्लास ठीक है अभी देखिए स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है अकेडमी पे ट्वेंटी एट से थर्टी सेप्टेंबर में आप अन अकेडमी पे क्या कर सकते हैं सब्सिप्शन ले सकते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट इज गिवन टू यू राइट तो टेन परसेंट डिस्काउंट आपको लाइव डीबी कोड यूज करने से मिल जाएगा ठीक है लाइव डीबी कोड राइट और एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा आपको थर्टी uh, सेप्टेम्बर से पहले अन अकेडमी का सब्सिशन लेने पर मिलेगा तो बहुत ही सस्ता हो चुका है अभी फोर्टी थाउजेंड नाइन्टी फाइव रुपीज़ के अंदर आप वन ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं ठीक है अगर आपको ऑप्शन सब्जेक्ट चाहिए तो फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी इसके अंदर सब कुछ है टेस्ट सीरीज एज वेल एज हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स और इसके अंदर नोट्स विल बी ऑल्सो भी प्रोवाइडेड टू यू एज वेल एज लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड सो दैट्स ऑल फॉर टो क्लास होप यू एंजॉय दिस